केतन कक्कड़ के सबूत देने के बाद बढ़ने वाली है सलमान की मुश्किलें। पड़ोसी के सबूत देख क्या बोला कोर्ट। सलमान खान और उनके पड़ोसी के बीच चल रहे झगड़े के केस में एक नया और हैरान कर देने वाला मोड़ सामने आया है, जिससे लगता है कि सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल मुंबई के सिविल कोर्ट ने माना है कि केतन कक्कड़ ने जमीन को लेकर एक्टर के खिलाफ जो आरोप लगाए थे वो असल में सही थे। दरअसल हाल ही में सलमान खान के पड़ोसी केतन कक्कड़ ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद सलमान खान भी अपने पड़ोसी को जवाब देते हुए नजर आए। एक्टर ने अपने पड़ोसी के खिलाफ इमेज खराब करने के लिए मानहानि का केस किया था। फिलहाल तो सलमान खान को इस मामले में राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मुंबई की अदालत की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि केतन कक्कड़ के पास जो सबूत है वो सही है। मुंबई सेशन कोर्ट के जज A.H. लदाद ने अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, मेरा मानना है कि खान सही रूप से ये समझने में फेल रहे कि ये उनसे कैसे रिलेटेड है, और कक्कड़ ने जस्टिफिकेशन के लिए याचिका दायर की जिसे प्राइमरी विजन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ कोर्ट ने इंजंक्शन एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है जो सलमान खान अपने NRI पड़ोसी के खिलाफ मांग रहे थे। बता दें कि सलमान खान ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि केस की सुनवाई और आखिरी फैसले तक कक्कड़ और दूसरे लोगों के खिलाफ एक आदेश पारित करना चाहिए कि वो कुछ भी अपमानजनक पोस्ट ना करे या बयानबाजी ना करे। उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और घटिया हैं, क्योंकि इसे बदनाम करने के लिए लगाया गया है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वहीं आदेश में कहा गया है कि खान के जरिए कक्कड़ को अपनी जमीन पर आने से रोकने के आरोपों को साबित करने के लिए दस्तावेज सबूत है। ये मसला दरअसल तब शुरू हुआ जब केतन कक्कड़ भारत आए। केतन कक्कड़ के वकीलों का कहना है कि केतन कक्कड़ का घर सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस के पास ही है, जिसे एक्टर ने लोहे के गेट से ब्लॉक किया। जब केतन रिटायर होने के बाद इंडिया वापस आए तो सलमान खान और उनकी फैमिली की वजह से वो अपनी जमीन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, केतन के वकील ने ये भी कहा कि सलमान खान पहले कक्कड़ को बातचीत करने के लिए इनवाइट करते थे और बदले में उनकी जमीन का इस्तेमाल करते थे। वो कक्कड़ की जमीन पर जॉगिंग करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे। हालांकि जब कक्कड़ इंडिया आ गए तो सब कुछ बदल गया। इस मामले पर सलमान खान के वकील प्रदीप गांधी का भी पक्ष सामने आया। एक्टर के वकील का कहना है कि केतन कक्कड़ ने सलमान खान के फार्म हाउस के बगल में ही जमीन लेने की कोशिश की थी। जमीन के लेन देन को बार बार रद्द किया जाता रहा क्योंकि ये अवैध थी। इस मामले के बाद से ही केतन कक्कड़ ने सलमान खान और उनके पूरे परिवार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। हालांकि अब लगता है कि इन सबूतों के बाद सलमान के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है। खैर, इस पर एक्टर का क्या स्टैंड होगा और उनके वकील इस पर क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।